जी सलाम अलैकुम जी, बहुत बहुत मुबारक हो आपको 5 विकेट लेने पे। ये बताएं कि ये स्पेल जो आपने किया है, इसमें मोर रिवर्स स्विंग का ज्यादा एलिमेंट था या अच्छी पेस और लाइन लेंथ का ज्यादा एलिमेंट था? वालेकुम सलाम, थैंक यू सो मच। और देखें जिस तरह की कंडीशन है यहाँ पे, ऑब्वियसली जो वो रिवर्स होगा, और आई थिंक मेरे ख्याल से तीनों चीज़ों का जो है वो अमल दखल है कि रिवर्स भी मिल रहा है, और रिवर्स जब तक आप अच्छी जगह पे बॉल नहीं करेंगे तो आपको विकेट्स नहीं मिलेगी। तो अच्छी जगह पे, अच्छी लाइन पे आपको पेस के साथ बॉलिंग करनी पड़ती है ऐसी सिचुएशन में जो कि मैंने आज की। बाजी भाई आपका माइक म्यूट है। जी अब आवाज आ रही? जी जी बिल्कुल। अच्छा हसन, ये जो 1.5-2 साल की जो जर्नी रही आपकी, जिसमें बहुत ज्यादा फिटनेस के मसाइल रहे और आप पाकिस्तान टीम से बाहर रहे, जाहिर है वो मुश्किल टाइम होता है एक प्लेयर के लिए, तो उसके बारे में थोड़ा सा बताइए कि किस तरह आपने अपने आप को मोटिवेट किया, क्योंकि प्लेयर के लिए तो एक मुश्किल होता है, लेकिन जो आपकी हम सोशल मीडिया वगैरह पे पिक्चर्स वगैरह देखते थे उसमें तो माशाल्लाह आप चिल कर रहे होते थे, लेकिन अब ये आपके अपने ऊपर इस दौरान क्या गुजरी जो आप पाकिस्तान टीम से इस अरसे में बाहर रहे? थैंक यू सो मच। देखिए बिल्कुल मेरे लिए बहुत टफ टाइम था, 16-17 months क्रिकेट से दूर रहना, और फिर ऐसा प्लेयर जो कि तीनों फॉर्मेट का परमानेंट मेंबर हो, तो मैंने बहुत हार्ड वर्क किया वापस आने के लिए और दिन रात मेहनत की है, और फिर जैसे जिस तरह मैंने डोमेस्टिक में वापस आया, अपनी फिटनेस शो की, फिर मैंने अपनी परफॉर्मेंस दी, और फिर अल्हम्दुलिल्लाह आज जिस तरह मैंने 5 आउट किए हैं, तो वो मेरे लिए बहुत टफ टाइम था। और जिस तरह आपने सोशल मीडिया की बात की है, और देखें अच्छे दिन भी आएंगे बुरे दिन भी आएंगे, मेरे नज़दीक जो है वो आप हमेशा मुस्कराते रहें और रिलैक्स रहें, चीज़ें ऊपर नीचे होंगी, आप पे बुरा टाइम भी आएगा, आप पे अच्छा टाइम भी आएगा, लेकिन जो आपकी एक जो लाइफ होती है वो अगर आप हंस के गुजारेंगे नहीं तो फिर कोई फ़ायदा नहीं। लाइफ एक ही दफ़ा अल्लाह ताला ने देनी है, तो आपको हंस के जो है वो गुजारनी चाहिए, और सोशल मीडिया इसलिए बना हुआ है कि आपको अपने फैंस को जो है वो दिखाना होता है कि इस टफ टाइम में भी जो है वो मैं मोटिवेट हूँ और मैं अपना हार्ट वर्क दिखा रहा हूँ। अस्सलाम वालेकुम हसन। वालेकुम सलाम हसन, जो आपका आखिरी इंटरनेशनल मैच था वो वर्ल्ड कप का था, अनफॉर्चुनेटली मतलब वो इंडिया से वो परफॉर्मेंस भी नहीं हुई, मैच पाकिस्तान हारा, फिर जो आपका कमबैक हुआ वो लॉन्गर वर्जन में हुआ, तो उसको किस तरह आपने मतलब देखा ये सारी चीज़ों को, क्योंकि लोगों का ख्याल था कि आहिस्ता आहिस्ता आपको इंटरनेशनल क्रिकेट में वापस लाया जाए शॉर्टर वर्जन में पहले, क्योंकि 5 दिन की क्रिकेट बड़ी टफ होती है, लेकिन आपने जिस तरह की बॉलिंग की, तो ये इस चीज़ को ज़हनी तौर पर किस तरह आपने इन सब चीज़ों को लिया? देखिए बिल्कुल सही बात की आपने कि पहला लास्ट मैच जो है वो इंडिया अगेंस्ट वर्ल्ड कप में खेला, फिर उसके बाद इंजरी की वजह से बाहर हो गया, और देखें एक चीज़ जो है वो बहुत क्लियर है कि मैं टेस्ट क्रिकेट बहुत पसंद करता, जो टेस्ट क्रिकेट बनने का बहुत शौक था, और अल्हम्दुलिल्लाह मैं टेस्ट क्रिकेटर बना और टेस्ट क्रिकेट खेला भी, लेकिन उसमें जिस तरह आपने बात किया कि शॉर्टर फॉर्मेट और लॉन्गर फॉर्मेट जो है वो बिल्कुल सही बात है, और जो है कि तीनों फॉर्मेट्स हैं, लेकिन मैं जो हमेशा प्रेफर यही करता हूँ कि टेस्ट क्रिकेट खेलूँ, और उसके लिए ऑब्वियसली आपको उसी तरह रेडी करना पड़ता है, आपका हार्डवर्क, आपका जो मोटिवेशन है वो आपको उसी तरह रखनी पड़ती है, और तो उसी तरह मैंने अपना हार्डवर्क किया, और बिल्कुल ये टीम मैनेजमेंट के माइंड में था कि स्लोली स्लोली इसको लेके आए, बट जिस तरह मैं डोमेस्टिक खेल रहा हूँ, जिस तरह की मेरी फिटनेस थी, तो मैंने उनको बोला था कि मैं हर फॉर्मेट के लिए अवेलेबल हूँ, आप जिसमें सेलेक्ट करेंगे मैं अपना 100% दूंगा, इसी वजह से मैंने अपने आप को कुछ जो वो रेडी इस तरीके से किया था वापस आने के लिए कि मैं अगर टेस्ट भी में मुझे मौका मिले तो कोई मेरी फिटनेस में जो है वो कमी ना हो। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम हसन, मुबारक हो। हसन मैंने पूछना था कि आप पाकिस्तान की एक रेपुटेशन है अनफॉर्चुनेट कि स्पेशली अगर फास्ट बॉलर इंजर होता है और फिर तो वापस आने में बहुत टाइम लगता है, या फिर वापस आते हैं तो उनकी पेस नहीं होती बॉलर्स की, तो आप उस सारे प्रोसेस के थ्रू आए हैं और लोगों को आपके लिए भी ये खौफ था कि शायद उनकी पेस ना हो, शायद वो परफॉर्म ना, तो आपको क्यों लगता है, अब आपने वो सारा एक्सपीरियंस देखा है कि ये पाकिस्तान में होता है कि अक्सर फास्ट बॉलर वापस नहीं आते, और आपका केस किस तरह डिफरेंट है कि आपको जो उससे आपको लगता है कि पीसीबी भी सीख सकती है, आप भी सीख सकते हैं और प्लेयर्स भी सीख सकते हैं? देखिए
पीसीबी एक अदारा है, पीसीबी को आई थिंक सीखने की इतनी जरूरत नहीं है, और उनको पता है कि उन्होंने क्या करना है। और जिस तरह आपने बात किया कि वापस आते हैं तो पेस नहीं रहती और उस तरह की बॉलिंग नहीं होती, देखिए अगर आप हार्डवर्क करेंगे किसी भी चीज़ के लिए तो आपको वो चीज़ें दोबारा वापस मिलेंगी। मेरी की जो थिंक थी वो यही थी कि मैंने अपना हार्डवर्क जो है वो नहीं छोड़ा। आई स्टिल रिमेंबर कि मैं एक दिन में चार चार दफ़ा रिहैब करता था, और ऊपर से कोरोना थी और एक ही घर में अस्टक हो और फिर फ्रस्ट्रेशन भी होती है, फिर आप टीम से ड्रॉप हो, तो उस सारे डिफिकल्ट टाइम में मैंने एक चीज़ जो उसको हाथ से नहीं था छोड़ा था, वो था मेरा हार्डवर्क, और मुझे वापस आना है। बिल्कुल मुझे बहुत सारी इंजरीज आई, मल्टीपल इंजरीज से मैं गुजरा हूँ, मेरे लिए टफ टाइम था, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैंने टफ टाइम में जो है वो अपना हार्डवर्क नहीं छोड़ा। तो अगर आप हार्डवर्क करेंगे तो आई थिंक दुनिया में कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जो मुश्किल है। जी खालिद भाई, जोजी भाई, आमिर एंड देन मारिया। हसन अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। हसन ये बताओ कि जैसे सुबह आप लोगों ने बॉलिंग की तो हमने ये देखा कि जो छः विकटें आज गिर गई हैं तो जो दो तो रन आउट हुए और बाकी चार विकटें आप लोगों ने शेयर किया, आपने तीन आउट के शाहिन ने एक, जब हमारी बारी आई तो उनके छः में से पाँच विकटें स्पिनर ने ली, तो क्या पिच का बिहेवियर क्या तो एक कुछ चेंज हुआ है क्या एकदम, तो पिच कैसे अनप्लेएबल नजर आ रहा है बैटिंग के लिए? देखिए बैट्समैन के लिए आई थिंक थोड़ी टफ कंडीशन बनी हुई है इस टाइम पे, और देखिए जो बॉल अच्छा करेगा चाहे वो फास्ट बॉलर है चाहे वो स्पिनर है वो आउट करेगा। और इसी तरह जिसने आपने बात किया कि मैंने और शाहीन ने विकेट शेयर किए हैं, तो हमारा यही जो प्लान था कि हमने राइट एरिया पे बॉल करना है तो उसी में हमें चांस मिलेगा विकेट्स लेने का। और जिसने आपने स्पिनर्स की बात किया, देखें अभी जिस तरह स्पिनर्स उनके स्पिनर्स बॉलिंग कर रहे हैं, तो अगर आप अच्छी बॉल करोगे तो आपको विकेट्स मिलेंगे, अगर आप अच्छी एरिया पे अच्छी लाइन पे बॉलिंग करेंगे तो आपको ना तो रन्स बनेंगे और आप विकेट्स भी लेंगे। तो आई थिंक बॉलर्स जो हैं वो थोड़ा ज़्यादा डोमिनेट कर रहे हैं क्योंकि पिच थोड़ा स्लो है, इसलिए रन्स उस तरह नहीं मिल रहे, तो इसलिए जो है वो सिचुएशन जो है वो थोड़ी डिफिकल्ट हो रही है बैटिंग लाइन। अस्सलाम वालेकुम सर। हसन अब 200 रन की पाकिस्तान की लीड है, तो आप क्या समझते हैं कि कितने रन और पाकिस्तान करे तो थोड़ा सा कंफर्टेबल आप फील कर सकते हैं? देखें फर्स्ट ऑफ ऑल 200 रन जो है वो भी इजी नहीं है इस ट्रैक पे, क्योंकि हमारे जो स्पिनर्स हैं जिस तरह लास्ट गेम में हमारे स्पिनर्स ने डोमिनेट किया था और फिर उसके बाद हमारे फास्ट बॉलर भी विकेट्स ले रहे हैं, तो ईजी नहीं है। बट हमारी कोशिश यही होगी कि जितने भी हम रन ऐड कर सके 240-250, क्योंकि स्टिल हमारा जो है वो रिजवान भाई वो खेल रहे हैं और उनके साथ मैं हूं, और हमारी पूरी कोशिश होगी कि हम जितने भी रन जो है वो ऐड कर सके हमारे लिए बेहतर होता है कि बाद में बॉलिंग पे हमारे ऊपर कोई इतना ज़्यादा प्रेशर ना हो, तो कोशिश यही होगी कि हम 240-250 से ऊपर लेके जाएं। जी आमिर एंड मारिया प्लीज। जी अस्सलाम वालेकुम। हसन ये थोड़ा सा मैं आपने पूछना चाह रहा था कि आप लोगों का गेम प्लान क्या था, मतलब ये सेकंड इनिंग में बैटिंग का ऐसा लग रहा था कि शुरू में हम लोग बहुत डिफेंसिव थे और मतलब और इतना प्रेशर हम लोगों पे आ गया कि हमारे विकेट मतलब कोई ऐसा प्लान था इस इनिंग्स के लिए क्या प्लान था आप लोगों? देखिए कोई ऐसा अच्छा हमने एज ए बैटिंग यूनिट कोई ऐसा प्लान नहीं किया कि हम जाके यहाँ तो रोक देंगे और यहाँ हम जाके रन्स बनाना शुरू कर देंगे, बिल्कुल नॉर्मल तरीके से हमने रन्स किए क्योंकि हम लोग जो गेम में हम लोग आगे थे, तो बिल्कुल उन्होंने बहुत अच्छे जगह पे एरिया पे बॉलिंग किया है, बैक टू बैक विकेट्स गिरी हैं जिसकी वजह से हमारे जो है वो बैटिंग लाइनअप प्रेशर में आ गया, बट वो स्टिल जो है वो हम गेम में आगे हैं क्योंकि फोर्थ इनिंग उनकी है, और ऐसी पिच पे ऐसी कंडीशन में जो फोर्थ इनिंग में जब 250 आपको 200 रन करने पड़े तो आपको पता चलता है कि किसी ने 200 रन किए हैं, तो ऐसा सच हमारा कोई प्लान नहीं था, नॉर्मल थे और नॉर्मली जो है वो खेल रहे थे। थैंक यू सो मच रजा भाई, मेरा क्वेश्चन हो गया, बहुत मुबारक हसन आपको। थैंक यू सो मच। शाहिद भाई एंड देन आरफा प्लीज। सर क्वेश्चन है मुझे। शाहिद भाई आपको आवाज आ रही है? जी बिल्कुल आ रही है। रजा मेरा भी सवाल हो गया, मैं भी पूछना चाह रहा था कितने रन हो रहे हैं। थैंक यू। थैंक यू आरफा प्लीज एंड नुमान इसके बाद। आरफा आवाज आ रही है आपको? नुमान आप प्लीज क्वेश्चन कर लीजिएगा।
जी अस्सलाम वालेकुम, आपको आवाज आ रही है मेरी? वालेकुम सलाम। हसन भाई इस लैंग्वेज में बात कर रहे हैं, कॉल ड्रॉप हो रही है, आपकी आवाज नहीं आ रही है। नुमान आपके सिग्नल नहीं आ रहे। आरफा प्लीज क्वेश्चन कर लें, फिर वापस नुमान पे जाते हैं। आरफा प्लीज। जी हसन, आपको आवाज आ रही है? जी अब क्लियर आवाज आ रही है। जी हसन, मैं पूछ रहा हूँ कि आपकी करियर परफॉर्मेंसेस पे और आपकी रिहैबिलिटेशन पे और जिस तरह आपकी ओवरऑल करियर रहा है उस पे, पाकिस्तान के जो साबिक बॉलिंग कोच हैं अजहर महमूद, उनका बहुत इन्फ्लुएंस रहा है। वो आपको अपने बेटों की तरह ट्रीट करते थे और आपकी परफॉर्मेंसेस पे बहुत खुश होते थे। आज उन्होंने ट्वीट भी किया है आपकी परफॉर्मेंस के बाद, तो उनका आपसे रिश्ता, ताल्लुक और वो जो सब कुछ उनका आपके साथ टाइम गुजरा है उस पे आप क्या कहना चाहें? जी देखिए, बिल्कुल मेरी एक बहुत अच्छी बॉन्डिंग है उनके साथ। और जब मैं क्रिकेट में आया, इंटरनेशनल क्रिकेट में, तो उन्होंने, वो बॉलिंग कोच थे, उन्होंने मुझे बहुत हेल्प की और मैंने काफ़ी टाइम जो है उनके साथ स्पेंड किया। मैंने बॉलिंग से बहुत कुछ सीखा एंड मैंने बहुत दफ़ा बोला है कि उन्होंने मुझे बॉलिंग करना सिखाई है। और बिल्कुल देखें, जिस तरह आपने बात की है कि बेटे की तरह ट्रीट करते हैं, बिल्कुल देखें वो मुझे अपने छोटे भाइयों की तरह, बेटे की तरह ट्रीट करते हैं। और आई थिंक मेरे लिए वो बहुत ऑनर की बात है, खुशी की चीज़ है कि एक ऐसा क्रिकेटर जिसको पूरे वर्ल्ड की जो है वो पूरे वर्ल्ड की लीगों का जो एक्सपीरियंस है, और फिर वो बहुत अच्छे बॉलिंग कोच भी थे, अनफॉर्चुनेटली वो अब नहीं है, लेकिन यह है कि अगर उन्होंने ट्वीट किया है तो बहुत शुक्रिया उनका। और यही वो चीज़ है कि जो आपको मोटिवेट करती है कि जिस तरह के आपके स्टार्स जो है